नसीम शाह की जगह कौन खेलेगा आज का मैच? नमस्कार, मैं रिया गुप्ता और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार युवा पेसर नसीम शाह एशिया कप के बचे हुए सभी मैचों से बाहर हो गए हैं। दरअसल इंडिया वर्सेस पाक के बीच मुकाबले में नसीम को चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने स्पेल के आखिरी ओवर की दो गेंद ही की और उसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था। एशिया कप 2023 सुपर फोर में पाक को श्रीलंका के खिलाफ 14 सितंबर को मैच खेलना है और ऐसे में यह मुकाबला पाक के लिए बेहद जरूरी है। इसी वजह से पाक के लिए यह बड़ा झटका है। पाकिस्तान के स्टार पेसर नसीम शाह एशिया कप 2023 सुपर फोर में भारत के खिलाफ खेलते हुए चोटिल हो गए थे। दरअसल भारत के खिलाफ नसीम ने बेहद शानदार गेंदबाजी की थी। नसीम अपने स्पेल के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए और सिर्फ दो गेंद ही फेंक सके और उसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था। ऐसे में उन्होंने बल्लेबाजी भी नहीं की थी। पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला हर हाल में जीतना है, क्योंकि अगर पाक को फाइनल में प्रवेश करना है तो लंका के खिलाफ जीत बेहद जरूरी है। नसीम शाह चोट के कारण एशिया कप 2023 के अहम मुकाबले से पहले बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने नसीम की जगह जमान खान को शामिल किया है। इसके अलावा सलमान अली आगा और हारिस रौफ के खेलने पर भी संदेह बना हुआ है। भारत के खिलाफ सलमान आगा के चेहरे पर जडेजा की गेंद लग गई थी, जिसके बाद उनकी आंखों से खून निकला, जबकि रौफ ने अपने स्पेल के शुरुआती 5 ओवर फेंके और मैदान से बाहर चले गए थे। आपको क्या लगता है आज का मैच कौन जीतेगा? अपनी राय में कमेंट करके जरूर दीजिए। बने रहे हमारे चैनल फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।